तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा दोस्त है जो कि दोनों सूरज है। हम दोनों का नाम सेम। क्या बोला तूने? सेम है सूरज। और अभी हम जा रहे हैं बांद्रा, और बांद्रा जाके हम आपको आज दिखाने वाले हैं लवर्स पॉइंट, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। और शाहरुख खान का घर है वहाँ पे, वो भी दिखाएंगे आपको। बहुत मजा आने वाला है, तो आप चलो, हमारा एंजॉय फुल आने वाला है। और हम रहेंगे तो एंजॉय आएगा ही यार, एंजॉय पक्का आएगा। तो यार आप बने रहिए, आप पहुंच रहे हैं अभी तो अंधेरी स्टेशन पे हैं। अब यहाँ से पहुंच के आप सीधे मिलते हैं आपको बांद्रा। A few moments later, finally guys पहुंच गए बैंड स्टैंड। और यहाँ फीलिंग जो आ रही है बता नहीं सकते कि बेंच कितनी खतरनाक फीलिंग है, बहुत डेंजर वाली फीलिंग है। अभी दिखाता हूँ तुम्हें बैक कैमरे से व्यू। ये भाई यहाँ से खतरनाक नजारा, और यहाँ से गिर गया है ना तो लग जाएंगे लवड़े। बाकी तो पूरा खतरनाक ही सीन है, फुल एंजॉय। क्या थे क्या हो गए, इसको दिखाऊं इसको चाप चाप बहनचो, 10x तक जूम कर दूंगा मैं, ले आऊंगा तेरी छाती पे। गाइस क्या हो रहा है इधर, बहनचोद पता नहीं क्या क्या करके छोड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा इनका कुछ सीन। एक उधर भी बैठी है, इसको भी देख लो भाई, ये भी खतरनाक करा रही है काम इधर। बस ये बताओ कि बांद्रा का क्या मैच है सर, ये जोड़ा है मेरा जोड़ा, मैं वो कहूँ तो क्या कहूँ। तो समझ में नहीं आ रही है मेरे, देखो गाइस यहाँ का सीन कितना खतरनाक है। और यहाँ पे सब जोड़े जोड़े बैठे, जोड़े जोड़े, बस एक हम ही है लोड़े जो हम नहीं बना पाए आज तक जोड़े। बहन का लोड़ा किस मार रहा है बेटा, आवाज रखो, देख दिया। एंजॉय कर रहे हैं भाई, सब मजे ले रहे हैं, बस एक हम ही है पागल लग रहा है। हमारी जिंदगी बर्बाद ही है, कोई फायदा नहीं है हमारा जिंदगी में जी के। अमन मूवी नहीं कह रहे किस मार ले भाई, आजा आज बेंचत मरेंगे हम यहाँ डूब के, और कुछ नहीं करना है आज, जिंदगी तबाह करनी और क्या करना। देखो भाई वो दिख रहा ना, वो दिख रहा ना, वो दिख रहा ये वाला, ये भाई वो चूत घर बना वो मतलब। समझ रहे हो क्या चल रहा है ये। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, बाबा यहाँ तो कुछ खतरनाक ही चलता है। और इनको कौन समझाए कि ये क्या चला रहे हैं यहाँ, क्या नहीं भाई, मजे ले रहे हैं अपनी लाइफ के, बस खाली क्या करे यार। इनको देख देख के ना बस मेरा मूड खराब हो रहा है, मन कर रहा है कि बेंचो इस बड़े से समंदर में डूब के मर जाऊं, क्योंकि इतनी बुरी शकल भी नहीं है यार हमारी के कोई हमारे साथ ना आए। मगर कोई बात नहीं मेरे भाई, हम तुम्हें कम से कम दिखा तो रहे हैं पब्लिक को कि क्या चल रहा है इधर, दिखा रहे। तो यार तुम अपने भाई का भी ख्याल रखना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक वाइक मार देना, और कमेंट में जरूर बताना कि मुंबई का कोई सा कोना तुम्हें देखना, हर कोना दिखाएगा तुम्हारा भाई तुम्हें, कोने कोने में ले जाके दिखा देगा। स्टैंड वाला केकड़ा दिखा दिखा दिखा, किधर ये भागा ये भागा ये भागा, मादरचोद किधर गया, चूत मारी के अंदर बढ़ गया भाग गया भाई, वो डर के भाग गया। अरे हम तेरे को नहीं पकड़ने वाले भाई, हमारे गांव की नहर में बहुत केकड़े हैं, सर मारा है भाई, तेरी नस्ल के तो केकड़े ही नहीं खाते हम, तू जा नाता ना धोता, बिना नहाने धोने वाले केकड़े नहीं खाते हम। कुछ फीलिंग आ रही है, घुमा दिया कुछ फीलिंग आ रही है खतरनाक, है ना। कोई सिंगल दिख ही नहीं रहा भाई सिंगल की एंट्री नहीं है क्या, नहीं सब बैंचो डबल डबल। गाइस दिखाने वाला हूँ आपको एकदम स्पेशल चाप, बिजनौर वाली चाप और ये तो आज एक पता नहीं कहाँ से फंस गया मेरे साथ, आज समझ में नहीं आ रहा कुछ, जब से देखो सेटिंग से लगा पड़ा है, पर मैं चूते के जैसा इसको ही देख रहा हूँ, बस एक मैं ही पागल हूँ बस, मेरी तो सेटिंग का कॉल भी नहीं आया, मेरी तो सेटिंग ही लावारी से मुझे ऐसा लग रहा है, साली मुझे याद ही नहीं करती है चूतिया है मैं सही में, मुझे अब ऐसा फीलिंग आने लगी भाई सही में। स्पेशल चाप दिखाता हूँ तो मैं स्पेशल वाली चाप, और ये स्पेशल चाप क्या दिखाऊँ तो मैं यार बस कुछ शॉर्ट खतरनाक ही हो रहा है, बस क्या बताऊँ मैं, कुछ बोल नहीं सकता।
बोलने के लिए कुछ लफ्ज नहीं है मेरे पास। और ये सारे आर्थिक भरे पड़े मैं इसको लेके आ गया, बहुत बड़ी गलती की है मैंने, क्योंकि जब से आए फोन पे ही लगा पड़ा। और खुश कैसा हो रहा था एक बार और खुश हो रहा है बोल मजा को जरा सबर करो। तो गाइस यहाँ बैठे सारे जोड़े, और जोड़े ऐसे ऐसे जोड़े के बहनचो देख के मुझे भी मरने का दिल कर रहा है कि डूब के मर जाऊं, क्योंकि हम अच्छे खासे यार, कोई इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा भाई, बहुत दिन से इधर आ रहा है, 5 साल से आ रहा है, मगर सिंगल ही आता है हमेशा। काले काले लोंडे लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, मगर हमारे साथ कोई आने के लिए रेडी नहीं होती बहनचो, कोई पड़ती ही नहीं यहाँ पे, कोई कमी है हमारी शक्ल में, इतने बुरे दिखते है क्या हम। अभी मैं दिखाता हूँ आपको क्या सीन है यहाँ का। भांग भोसड़ा चल रहा है की बहन की चुता, वैसे भांग भोसड़ा चलेगा यहाँ पूरे शाम तक। भांग भोसड़े को हद होती है, मगर इन्होंने सारी हदें पार कर रखी हैं, सब हद कते जहर, आग लगा दी अगर हम देख देख के चूते की तरह इन्हें जल रहे हैं, बस हमारी ना हम क्या करें भाई कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलेगी, सब अपने अपने एंजॉय में रहते हैं, सब एंजॉय करते हैं, सब मजे लेते हैं, बस एक हम ही पागल हैं यहाँ पे जो जिंदगी काट रहे हैं, और बस ऐसी घटती रहेगी हमारी, और क्या करेंगे हम, बर्बाद ही है हमारा जिंदगी तो, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बस यार कोई बात नहीं, सिंगल ही रह लेंगे, जिंदगी ऐसी काट लेंगे, वही अच्छा है हमारे लिए। समंदर भी भाई नाराज हो रहा है इनसे, बोल रहा होगा समंदर भी के बहन जो यहाँ पे आगे ऐसे पाप कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तीन लड़की भाई बचकानी आई है, पहले तो इनको देख रहे हैं ये बचकानी बहुत लाइन मार, प्यारी समझ गई बहुत हार्ड, बस अकेले हम ही घूम रहे इधर, और बाकी तुम यार एंजॉय करो, और बताना मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट करके कि कैसा लगा है वीडियो। अभी ये यही सीन यहाँ का ही शूट किया है, अभी उधर दूसरी साइड का भी बाकी है, अभी दूसरी साइड पे भी करना है, बस खाली यहीं का शूट है अभी। माय गॉड, वाओ, दूसरी साइड का शूट करेंगे ना उसके बाद और भी खतरनाक दिखाएंगे तुम्हें, अभी इधर जो मजा आ रहा है इधर तो काफी अच्छा है, और हवा बहुत अच्छी चल रही है, कसम से फीलिंग एकदम खतरनाक आ रही है, हवा तो एकदम ऐसी फेल है, इतना चिल्ड हवा चल रहा है एकदम, फुल मजा आ रहा है। बस खाली यार बस एक ही कमी रह गई आइटम की, वो भी पटाएंगे, भगवान की दुआ रही तो जल्दी, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता हमारा। स्पेशल चाप कतई जहर वाली चाप प्यारी समझ गई मिनाल प्यार लालिया आशिक हूँ मैं दिलदार हूँ। गाइस जिन्ना व्हाइट कलर की पैंट पहन के ना, मैं रेड कलर की चड्डी पहन के, मैंने क्या बोला तूने व्हाइट वाला बहुत खतरनाक सीन है यार कसम, रेड कलर की चड्डी पहन के जब पूरा खड़ा था, रेड वाली चड्डी है, और चड्डी दिखी मुझे अभी, पोलो की ये ब्रांड भी देखा हमने, नल्ला पोलो बेचो हमारे साथ रहते तो ब्रांडेड पोलो पहनाते थे फिर। अच्छा हमको सिखा रिया है, अच्छा और जब सो नल्ला बोलो, देख के बड़ी बेइज्जती सी फील हुई मुझे, मगर चीज है कुछ खतरनाक देखने लायक है, मगर क्या बोलो यार बस मैं क्यों हाँ व्हाइट वाली बोलना क्या है उसको, बोलना है कि आप मुझे अच्छे लगते हो, ऐसा करके बोलो क्या बोलना है, अच्छा मुझे अच्छे लगते हो, हाँ कुछ नहीं होगा सूरज भाई, वो जो लड़की दिख रही है ना भाई, वो वाइट जीन्स में, उसको सूरज भाई प्रपोज मारने जा रही है, हल्के में ले रहा नहीं अभी देखते हैं भाइयों की तो क्या होता है इसके साथ में, इसको बचाऊंगा भी नहीं अगर कोई मान कर इसको देखो भाइयों पास में आगे लड़की है
व्हाइट जींस में दिख रही ना वही है, ये मछली पकड़ने वाले अंकल है। इसको बोले कि पकड़ के ले जाऊंगा यहाँ से चढ़ा जा, बोल रहे हैं कि झोले भर के ले जाऊंगा। पता नहीं क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या मांग रहा है इससे। गाइस देखो भाभी, भाभी के नसीली भाभी चाप है वह एकदम बिकट वाली, जैसे कह मैं कसम से ऐसे ऐसे देख के तो मूड की माँ चुट जावे। अब मैं क्या करूँ बता, फिर तुम यू कहोगे ना हमारा यूट्यूबर गाली बहुत देता है तो गाली देगा, मैं गाली दूंगा ही ना। ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार तेरी। क्या बोलूँ बता मैं। सूरज भाई उस लड़की को बोलो जाके आपका कोई बॉयफ्रेंड है, ऐसा करके बोलो। मतलब तू ये जो सर पे बाल बचे ये भी उड़वाना चाह रहा है मेरे? अरे कुछ नहीं होगा यार, अभी क्या बोल रहा था बेचो के मैं बचाने भी नहीं जाऊंगा। मजाक थी वो, कसम से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज इसको बहुत गलत लेके आया, ये तो मेरे लगाने के चक्कर में मेरे को बोल रहा है कि फ्रैंक कर उधर जाके। भाई मैं छोटा मोटा ब्लॉगर, भाई वो लड़की दिख रही है ना, मैं उसको बोल रहा हूँ जाने के लिए। ब्रांड तो है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, ब्रांडेड है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना ब्रांडेड है। पर तुम्हारे भाई की साइज की है, लंबाई उंबाई फुल, फिर फट रही है थोड़ी सी यार, कैसे बोलो जाके। फाड़ो मत, जाओ वहाँ पे जाओगे तो सिल भी जाएगी, क्योंकि पत्थर देख रहे हो उधर कितने मोटे मोटे है। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं बचाऊंगा ना, पक्का बोल रहा हूँ यार। मेरा यूट्यूब चैनल रैनल सब मर गया। नहीं नहीं तेरे कोई मारेगा ना तो भी प्रैंक में ले लूंगा, इसमें ले लूंगा मैं, बोलूंगा मस्ती चल रहा था ऐसा करके। पिटवाने के मूड में आएगा आज तुम्हें? अरे भाई कुछ नहीं होगा यार, तुम जाओ तो सही। अरे भाई अब अंदर ले, मैं जा रहा हूँ, जल्दी से जा। देखे भाइयों ये जाने लगे सूरज भाई, फिर से आ गए वापसी हमारे पास की ना भाई, काम भाई इनको लग रहा है डर। बिजनौरी हूँ, डरता तो नहीं हूँ भाई, मगर अच्छा नहीं लगता यार, पता नहीं कोई क्या बोल दे। पर भाई जो व्हाइट कलर की लड़की बैठी है ना, वो उसने रेड कलर की चड्डी पहनी, तुम्हारे भाई ने अपनी आंखों से देखी इन वालों से जो लग रखी है मेरे। सच्ची बोल रहा हूँ, अंदर तक देख लेता है बहुत आरामी है, वही तो बोल रहा हूँ। सूरज है ना, मैं भी सूरज ही है, मगर मैं इतना गुंडा नहीं हूँ। जाओ ना ए सूरज भाई, जाओ कौवे का पूछ लेना, कौवा आया इधर। देखो ये कौवे का भी ना मगजमारी चल रहा है भेनचोद ना, ये भी शूटिंग के लिए सिंगल आइटम देख कर फिर रहा है। देखो ताऊ ने मछली पकड़ रखी, ताऊ ने भाई पूरी मच्छी का भागड़ा भर लिया, दो डाल रखी है दो, ताऊ बहुत हार्ड है। तो जाओ ना सूरज भाई, जाओ ना, देखो कुछ खा रही है वो, कुछ खा रही है भाई, उसको लग रहा है कि खट्टा ज्यादा पसंद है। इनको इतनी भी शर्म नहीं कि कोई सामने बैठा रहे उसको पूछ ले खा ली, अच्छे तो हमारे बिजनौर के लौंडेरे में। हाँ कम से कम बेन अच्छे खाने खोने को तो पूछ लेंगे क्या खा रहा है क्या ना खा रहा है। हमारे इनमें संस्कार है नहीं बिल्कुल, ना संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। अब तुमको पता है ये जीन्स यहाँ पे क्यों पहन के आती है? हाँ। क्योंकि इनको दिक्कत पड़ती है सलवार खोलने में, दिक्कत पड़ती है। हाँ। तो लुक खोला और हो गया, बस हो गया काम। और अपना बिजनौर में कैसा, बस बिजनौर की बात, मुझे बिजनौर की लड़कियों की एक बात बुरी लगती है, अभी मैं इनको जाके कुछ भी बोल दूँ घर पे बोल देती है तो मेरे को सीधा सीधा रिप्लाई दे देगी कि हाँ भाई मैं सिंगल हूँ। बिजनौर की लड़की को तुम बोलोगे तुम सिंगल हो गए तो सीधा ही बोलेगी भैया चलते चला जाए चप्पल मारूंगी मुंह में तेरे। यही बोलेगी रुक खड़ा रहे भैया को ला रही बुला के, भैया को ला रही बुला के चप्पल मारूंगी तेरे थोपड़ी पे, ऐसे कह देगी। भाइयों देख रहे हो तुम इनकी दोनों कमर कितनी गोरी गोरी यार, बिजनौर वाले काहे नहीं देखेंगे? मेरे दूर का नजर कमजोर है। तेरा दूर का नजर कमजोर है? नो नो ये बता दो वो का है, वो गोल गोल राउंड वाले तो चांद है ना, तो और कितना दूर देखेगा बुढ़बक यार। भाई देख रहे हो ना एकदम पास से दिखा दूंगा, ऐसा करा दूंगा दिल खुश करा दूंगा तुम्हारा बिल्कुल ही। ओ गॉड एक बार दिला दे थोड़ा सा जूम। अरे फुल मार दिया सूरज भाई, फुल मार दिया। शाहरुख खान भी खड़ा है, शाहरुख खान को दिखा। देखो भाई शाहरुख खान खड़ा, शाहरुख खान की भाई की इसका नाम है, इसका नाम है भाई जगतिया। तुम तो शाहरुख खान में ले रहा था, अभी शाहरुख खान का घर भी दिखाने वाले हैं यार तुम। हाँ। नहीं रखो शाहरुख खान के घर पे भी, शाहरुख खान का बेड दिखाएं कहाँ सोता है वो, सब दिखाएंगे भाई आपको। खान भाई का घर दिखाएंगे अभी, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे थे और यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि नई नई चाप तो यही देखने को मिल रही है, चाप देख देख के मूड की हट गई। पर भाइयों जहाँ तुम देख रहे हो ना पिक्चर गलत देख रहे हो तुम,
ध्यान तुम्हारा ब्लॉगर पे नहीं है। हाँ पीछे ही है, समझ गया हूँ बेंचो। इस उम्र में तुम, इस उम्र में तुम तगड़ा करने जा रहे है। समझ सकते हैं भाई, कोई नहीं यार देखने के लिए। चलो दिखाते हैं भाई फिर तुमको अगली वीडियो में। रुको यहाँ दिखाएंगे तुम्हें चाप एक नंबर वाली। तो सब गाली धोली चाप है बेंचो, कोई स्मार्ट सी चाप नहीं दिख रही। आसिक बनाया आपने, ऐसी तो कोई दिखी नहीं जो आसिक बना दे आपने। सब ऐसी लग रही है बेंचो जैसे जना कौन से झंडों से निकल के आई है ना। तो गाइस एंजॉय तो बहुत आ रहा है, बस क्या करें ऐसी ऐसी चीज देख के बेंचो परेशान हो जा रहा हूँ। क्या करूँ, मुट्ठी मारना जी करो तो करो क्या। अब मुट्ठी मारा तो ये मान नहीं सकते, बोल रही पब्लिक बहुत है। हाँ तो चलो मजा पहुँचेगा। अब बताओ क्या करें, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मगर यार हवा जो चल रही है ना यार कति जहर, वो बताऊँ अभी तुम्हें ऐसे तो दिख नहीं रही होगी यार। मैं दिखाऊंगा अभी आपको कैसे हवा चलती है। बाकी अब पब्लिक धीरे धीरे जमा होती जा रही है, बहुत मजा आ रहा है सब। अरे ये प्रपोज करने वाला बोले कोई आइटम पटे तो उसको रिंग देना। भाई तुम भी दे देना किसी को। तो यार पहली बात तो यार लाइन तो बहुत दे रहे हैं यार, मगर क्या करें हम सिंगल ही ठीक है बस। देख लो झगड़े बहनचोद। गाइस मन्नत के सामने खड़ा हूँ और शाहरुख भाई के फैन की भीड़ इतनी लगी है ना, बस खाली वो मन्नत लिखा है ना उसके सामने फोटो खिंचाने के लिए लाइन इतनी लंबी है। तो भाई की मूवी देखने के लिए कितनी लंबी लाइन जाएगी यार। बायकॉट करने वालों तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है, एक बहुत खास वीडियो है ये भाई। फैन फॉलोइंग तगड़ी है शाहरुख भाई की, ऐसे हल्के में मत लेना यार उसको, सुपरस्टार है वो, किंग खान है। मैं उसका घर दिखाता हूँ अभी आपको। A few moments later. ये शाहरुख भाई का घर स्पेशल मन्नत है यार, बाकी में बंदे ने कुछ बना के रखा है जन्नत। और नाम दिख रहा होगा आपको अभी लैंडलॉर्ड। पब्लिक दिखाऊं उसके वो मन्नत लिखे हुए के नाम के सामने कितने पब्लिक फोटो खिंचाती है वो ही दिखाता हूँ मैं आपको। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।